लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन। पिछले काफी लंबे समय से राजपुरा शहर में चोरी व झपटमारी की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती रहती हैं। राजपुरा पुलिस भी इन चोरों को पकड़ने में दिन रात एक कर रही है, मगर ये चोर व झपटमारों के हौसले इतने बुलंद हैं कि ये दिन दिहाड़े ऐसी चोरियों की वारदातों को अंजाम देते हुए घूम रहे हैं। ऐसा ही कुछ बीती रात भी देखने को मिला। वहां जहां पहले इन्हीं दिनों में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी सहित सोने के गहनों पर अपना हाथ साफ किया था, मगर एक वर्ष बीत जाने के बाद उक्त चोरी करने वाले चोर तो पकड़े नहीं गए, मगर बीती रात इसी घर के बाहर से चोर बिना किसी खौफ के इनोवा कार चोरी कर ऐसे फरार हो गए मानो यह इनोवा कार चोरों की ही थी और इन्होंने यह कार यहाँ खड़ी की थी। कुछ ही देर में देखते ही देखते चोर इनोवा कार लेकर रफू चक्कर हो गए। चोरों द्वारा कार चोरी करने की यह सारी हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे अब पुलिस खंगालने में लगी हुई है। उक्त चोरी की घटना है यहाँ के दशमेश कॉलोनी के मकान नंबर 33B की, जिसमें रहते हैं राजपुरा के मशहूर रवि बुक डिपो के मालिक, जिनके इसी मकान में पिछले साल चोरों ने लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया था। जहां अब बीती रात चोर घर के बाहर खड़ी इनकी इनोवा कार का शीशा तोड़ कार लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की यह हरकत कैद हो गई, जिसमें चोर एक सफेद रंग की वैगनर कार में सवार होकर यहां आए और उनका एक साथी इनोवा कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर दाखिल हो गया और कुछ ही देर में वह इनोवा कार लेकर फरार हो जाता है। जब कार के मालिक श्री राकेश दुरेजा ने देखा कि कार वहां नहीं खड़ी जहां उन्होंने कार खड़ी की थी, तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को जब देखा तो उसमें रात 2:30 बजे कार चोरी होने की पुष्टि हो गई। इस संबंध में न्यूज 89 की टीम ने राजपुरा के नवनियुक्त डीएसपी सरदार AS ओलक से विशेष तौर पर बात की। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना था। एक्चुअली दशमेश नगर के रात जी है कुछ बंदे जिन्हें हाले तक पछाण नहीं हो सकी है, वैसे तो वो जो एक इनोवा गड्डी जी लै गए ने, तो हालांकि जितों चोरी हुई है उत्थे सीसीटीवी कैमराज वगैरह जो लगे हुए थे, पर उत्थे सही एडिक्यूएट जो लाइटिंग का प्रबंध ना होने करके जी पिक्चर हैगी बंद बहुत ही ज़्यादा क्लीयर नहीं है। तो हूँ असी सारे जो टोल प्लाजा दे असी दो जो टीम असी बनाई ने, एक CAE की एक जी है सिटी की, वो दोवें टीम जी है चैक कर रही ने टोल प्लाजा वगैरह तो होर जो रूट जो संभावित उन्होंने हो सकते हैं, तो उन्होंने रूटों के उत्ते जो कैमरे लगे आ उन्होंने थ्रू ये जो है चैक किया जा रहा। तो यह है क्योंकि CCTV कैमराज में चैक करना थोड़ा जहा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, थोड़ा समा लगता है, इस दे विच एक एक कैमरा आइडेंटिफाई करके फिर वो रिकॉर्डिंग वगैरह सारी देखनी पैंती है। तो सही डायरेक्शन असी है तो बहुत ही छेती जो है रिकवर कर लिया। सर देखा गया भी उत्थे उस जो चोर है उसने घट्टो घट गड्डी अद्धा घंटा जी कार्रवाई की है, ना तो उत्थे कोई चौकीदार आया ना कोई PCR ने चक्कर मारिया, सर उस बारे की कहना चाहोगे? इन्होंने घर पहला भी चोरी हो चुकी है, वह भी अज तक पता नहीं लग पाया। सर ये जो PCR वगैरह है साढ़े ये मतलब एरिए प्रॉपर गश्त करते हैं, इन्हों उस तो बाद जो हॉट पॉइंट बनाए हुए होंगे है, मतलब PCR वास्ते मुमकिन नहीं है भी वह सारी रात जो है उन्होंने चलते ही रहन, हॉट पॉइंट होंगे फिर कुछ समय बाद जाते हैं चक्कर लगा के फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं। सो ये काफ़ी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उस मौके जिसे यह वारदात जी वापर रही थी हो सकता उस मौके उस इलाके PCR ना हो किसी दूसरी जगह के, क्योंकि PCR को एक एरिया वंडिया हुआ होंगे, एक पर्टिकुलर एरिया नहीं होंगे, काफ़ी व्डे एरियाज होंगे साढ़े को 5 PCR के मोटरसाइकिल है जो रात में चलते हैं शहर के जोड़े। सर हम राजपुरा DSP का चार्ज संभालिया, तो सर मतलब तुसी की लोगों को संदेश देना चाहोगे भी अगे तो यह जी घटनावां नहीं होंगी राजपुरा शहर? देखो पिछले दिन काफ़ी चोरी दी घटनावां सामने आई। मैं आने सार इस चीज़ का नोटिस लिया, तो जिथे सीगा उत्थे मैं काफ़ी ज़्यादा नाकाबंदी वगैरह उत्थे करवाई भी है, तो शहर से भी हुण असी जिहड़ा हैगा डेली मीटिंग्स करके जिहड़े वल्नरेबल पॉइंट्स ने उन्होंने आइडेंटिफाई करके असी यह सारा जिहड़ा है एक प्लान तैयार कर रहे हैं। ये सब तो वड्डी जिहड़ी हैगी आपां नूं अपनी तीजी अख जिहड़ी है वह स्ट्रोंग करनी पऊगी,
ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾਸ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣੂ ਸੀ 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 ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਓਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਉੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਵਾ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੋ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇਜ ਲਗਵਾਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨੰਬਰ ਕਲੀਅਰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਵੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਪਰ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕੀਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੇ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 89 लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज 89 और प्रेस करें बेल आइकन